Friends, this is me Prigil and I welcome you all to my YouTube channel Prigil Pradeep. So friends, right now we are in quarantine. आप लोगों को तो पता होगा कि quarantine मतलब क्या होता है. Actually अगर जिसको नहीं पता है उनको मैं खुद बता देता हूँ. Actually quarantine मतलब कुछ भी नहीं है friends. Actually सिर्फ इतना है, अगर कोई बंदा abroad से आता हो इंडिया में तो उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है. जैसे कि 14 डेज थे पहले, अभी उसको 28 डेज कर दिया केरला में. दूसरे को तो पता नहीं, मेरा मॉम को तो कॉल तो आता है अभी, उनको 28 डेज कर दिया, इसलिए मुझे पता है 28 डेज कर दिया है. तो फ्रेंड्स अभी केरला का गवर्नमेंट तो बहुत अच्छे सपोर्ट कर रही है यहाँ पे. तो जैसे कि रोज़ कॉल्स आता है 11:30, उस टाइम में मम्मी को रोज़ कॉल आता है. और ऐसे कि मैं भी क्वारंटाइन में हूँ क्योंकि मैं मम्मी के साथ रहता हूँ. मम्मी बैंकॉक से आई है, इस 12th को आई थी. तो उस डे से अभी जैसे कि 12th को मम्मी पहुंची थी केरला में, उस दिन से आज तक अभी 15 डेज तो हो गया. उनको बोला कि 28 डेज तक और रुकने के लिए, जैसे कि बाहर ना निकले. जैसे कि ये सेम रूल है पर हम लोग को कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. ऐसे भी हम लोग को ये सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग रूल्स, क्योंकि ऐसा रूल स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये डिसीज़ तो स्प्रेड होते ही जाता है, होते ही जाता है. इटली का तो पता रहेगा आपको, अभी उनके पास तो हॉस्पिटल भी नहीं है लोगों को रखने के लिए. तो ये सब ठीक है, रूल्स तो बना होना चाहिए. तो रोज़ मम्मी को कॉल्स आता है, रोज़ हर दिन आता है. जैसे कि कुछ बीमारी हो, कुछ कफ हो, कुछ कोल्ड हो, उनको रोज़ उनका हेल्थ के बारे में पूरा डिटेलली पूछते हैं. और जैसे कि अभी हमें कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ सामान का रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल राइस मतलब आटा कुछ भी चाहिए रहेगा, तो उनको फ़ोन करके बता देगा तो लोग खुद ला के दे देते हैं. तो ये सब मतलब बहुत अच्छे तरीके से लोग सर्विस दे रहे हैं, सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट पूरे तरीके से. और अभी तो लॉकडाउन चालू है, तो अभी मैं अपना सिचुएशन बता देता हूँ जैसे कि हम लोग क्या क्या मतलब कैसे दिन गुजार रहे हैं हम लोग, तो देखिए. तो फ्रेंड्स पूरे टाइम मुझे घर पे रहना बहुत पागलपन जैसा लगता है, इसलिए मैं कभी कभी नेचर भी देख लेता हूँ. नेचर भी मुझे बहुत पसंद है. हमारे घर पे आम भी है, ऐसे तो देखो एक आम तो यहाँ पे लटका पड़ा है और भी है. टाइम मिलते हम इसको भी तोड़ लेता हूँ. हमारा गेट भी लॉक पड़ा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो. यहाँ पे जो घर है वहाँ पे भी कोई नहीं है, पूरा बंद पड़ा हुआ है, घुसा हुआ टाइप है. उसको जल्दी घुसा आता है बहुत. देखे ओके ठीक, इसको तो देख लिया. अभी चलो आगे देखते हैं, और भी है पांच को देखने के लिए मेरे यहाँ पे. तो ऐसे सब देख के मैं अपना टाइम निकालता हूँ. ट्रीज प्लांट्स सब कुछ है. तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हो, हाँ इसके बारे में तो बताने में भूल गया, ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ स्टेंटेसर है. इसमें कुछ मलयालम में लिखा है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और ब्रेक चेन तो लिखा है इसमें. तो ये है, और ये स्टेंटेसर तो मम्मी ने बारगाव से लेके आया था. अल्कोहल हैंड रब कुछ ऐसे लिखा है. ठीक है चलो ऊपर देखते हैं, टाइम तो ऊपर से भी बिताता हूँ मैं. तो फ्रेंड्स पूरे टाइम एक ही कमरे के अंदर तो मैं रहता नहीं, कभी बाहर कभी अंदर. और ये मेरा रूम है ओके. तो भी हम लोग बाहर हैं. तो यहाँ पे भी नेचर का अच्छा व्यू दिखाई देता है हमें, यहाँ से पूरा जगह दिखता है. जितना भी घर है यहाँ पे आसपास, पूरे घर यहाँ से विजिबल है.
तो यहाँ पे बैठ के भी कभी कभी नेचर नेचर व्यू का मज़ा ले लेता हूँ। अच्छा लगता है यहाँ पे बैठे बैठे देखने के लिए सब। और इसके ऊपर तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम बिताता हूँ। चलो दिखाता हूँ वो भी। तो फ्रेंड्स ये मेरा झूला है, इसमें मैं कुछ ज़्यादा ही टाइम बिताता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसमें। चलो दिखाता हूँ। ये झूला है, ये मेरा बहुत काम की चीज़ है फ्रेंड्स। जब मैं कोई भी टेंशन में होता हूँ या कोई भी प्रॉब्लम में होता हूँ, मैं ईयरफोन लगाता हूँ और इसमें झूलता हूँ आँख बंद करके। मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। आज मम्मी ने चपाती और बाजी बनाया है, जैसे कि चपाती है और बाजी, तो आप देख सकते हो ये बाजी और ये लस्सी। तो एक्चुअली हम लोग तो नॉनवेज के बिना रह ही नहीं सकते थे, पर अभी सिचुएशन कुछ बहुत ही अलग है, मैनेज करना पड़ रहा है, मैनेज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स मैं आपको मेरा चीकू का पेड़ का बारे में तो बताया नहीं। ये मेरा चीकू ट्री है, आप देख सकते हो पूरा चीकू है यहाँ पे, पूरा ट्री चीकू से भरा हुआ है। तो जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ने पर हम लोग चीकू भी तोड़ के खाते हैं, अच्छा लगता है। तो अभी गेट खोला हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, पूरा एम्प्टी है स्टेडियम। यहाँ पे नज़दीक में मेरा स्टेडियम भी है, स्टेडियम का मेंटेनेंस काम तो चालू है। इसे भी यहाँ पे रोज़ाना लोग खेलने के लिए तो आते थे। और ये रोड देखो पूरा एम्प्टी पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है। ये आसपास के घर हैं, यहाँ पे भी कोई नहीं है। ये देखो यहाँ पे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा मुझे। फ्रेंड्स आखिर मैं सोच रहा था कि सो जाओ, क्योंकि अभी कुछ काम करने के लिए भी नहीं है, लंच मेरा हो गया है तो इम्पोर्टेंट काम भी नहीं है ऐसे कुछ। तो सोच रहा था कि 1 घंटे तक नैप ले लेता हूँ, उसके बाद सोचूंगा क्या करना है आज के दिन। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अभी टाइम 5 PM हो गया, कुछ ज़्यादा ही सो गया मैं। तो अभी पौधे को और झाड़ को सब पानी देने सोच रहा हूँ। मोस्टली मम्मी करती थी ये सब, अब मैं कर देता हूँ क्योंकि फ्री हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। फ्रेंड्स मुझे प्लांटिंग बहुत अच्छा लगता है करने के लिए, और बहुत प्लांट्स लगाया भी हूँ, अच्छा लगता है मुझे प्लांट्स लगाने के काम, उसका केयर करना अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे कुछ लोग तो अभी जाते हुए दिखाई भी दे रहा है मुझे, कुछ ज़रूरी काम हुआ शायद, इसीलिए होगी बाहर उतरने का प्रयास किया।
तो फ्रेंड्स कुछ टाइम तो मैं अपना काम भी कर लेता हूँ और कुछ टाइम मतलब पूरा टाइम तो काम कर नहीं सकता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा टाइम काम कर लेता हूँ। उसके बाद तो फ्रेंड्स पूरा टाइम कोई बैठ तो नहीं सकता, एक ही जगह एक ही काम पागल हो जाएगा। तो पूरा टाइम तो मैं काम नहीं करता हूँ पर थोड़ा बहुत काम भी कर लेता हूँ। उसके बाद नेचर व्यू देखता हूँ, वैसे करके सब अपना टाइम बिताता हूँ मैं, मतलब ठीक है ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे भी ठीक लगता है। We'll be right back.